अच्छा 12 के हमारे सभी विद्यार्थियों, मैंने वादा किया है आपसे बेटा कि आज 6 फरवरी के दिन, ठीक है, 6 फरवरी के दिन टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैंने सेट ए भी बता दिया, बी भी बता दिया, सी बता दिया, डी बता दिया, ये अंतिम आपका ई रहेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पेपरों की श्रृंखला है, कोई रियल नहीं है, रियल किसी के पास मिलना भी नहीं है, और किसी लगता है कि हाँ किसी के पास रियल मिलेगा तो चले जाओ और ढूंढो खूब, ठीक है, और जब नहीं मिले तो इसी चैनल पर वापस आना और देखना, और इन्हीं में से आपका फंसेगा, ये 100% दावा है, पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सीरीज के फूल फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है, तो नेताओं की याद आ जाती है। चलिए इसके बाद में क्या है अगला, ठीक है, कि नव मोहनजोदड़ो के अयाज घर में तैनात व्यक्ति का जो नाम था वो क्या था, वो था आलिन वाज, ठीक है। झोला क्या है, एक झोला आपका क्षेत्रीय शब्द है। कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 31 वर्ण होते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है तो पृथ्वीराज रासो है ना। तुलसीदास के अनुसार आम पेट की आग को कौन बुझा सकता है, भगवान राम ही बुझा सकता है, ठीक है। सीरीज के फूल बड़े और वृक्ष छायादार होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया ये बताओ आप, तो पहले बिल्कुल टेंशन मत लो, नहीं तो हमारे एक भैया लेके आए उधर सामान मंगा लूँ, ठीक है, खाने पीने का खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल बिल्कुल मौज करो और मेरी फौज में शामिल हो जाओ, ये 96% 91% की जवाबदारी मेरी है, ठीक है, आप तो घबराओ मत, ठीक है। आदिकाल के प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन होता है। बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। जूझ कहानी लड़ते जुड़ते किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी है, ठीक है। विरोध ना होते हुए जहां भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। छोटा मेरा खेत, उमा शंकर जोशी, सूरदास भक्तिकाल, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा का या तुलसीदास, अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दृश्य नहीं होता है रेडियो नाटक में, तुम घर मत जाओ, फिर कहाँ जाओ, भाग जाओ क्या, अरे भैया निषेध वाचक वाक्य है तो, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव में जाएगा भे, बढ़िया से कंप्लीट करो, डरने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बिल्कुल भी, मैं हूँ कोई लटमारा मारी थोड़ी चल रही है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल आईएमपी चीज चल रहे हैं, आप तो करो कंप्लीट, जिसको भरोसा है कर लो, जिसको नहीं है उसके लिए क्या करें, अब उनके लिए पार्टी रखेंगे ना अपन फेल होने की, ठीक है, अब भरोसा नहीं है तो क्या करें, उनको रियल ढूंढ लें दो, कहाँ मिल रहा है रियल, ठीक है, रियल नहीं है बेटा किसी पास भी, आईएमपी चीज है, आएगा भी तो इन्हीं में आपको फंसा के दे दिया जाएगा। अब इतनी अकल आप में भी होनी चाहिए, सामने बता दूं क्या पूरा रखा रखा है, किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन का विश्लेषण को क्या कहते हैं, विशेष रिपोर्ट। आनंद यादव की का मन किस बात के लिए तड़पता है, पाठशाला जाने के लिए। वनस्पति शास्त्री के अनुसार सीरीज का पेड़ कहाँ से रस खींचता है, वायुमंडल से। सीरीज अद्भुत अवधूत है, सत्य है। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है। यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ से, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपका यहाँ से अपन देखेंगे, हो गया 6। पहले पेपर को देख लो ना, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि ऐसे मानो वो भी हमारे सब आता है, हमें सब आता है, सब आता तो देख लो, लो पेपर ले लो भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बाबू खाना खा के जाना है ना, बिल्कुल, अब यहाँ पर मेरे पास तो व्यवस्था थोड़ी है यार खाना की ना, अपने घर ही खा के जाना स्कूल, ठीक है, नहीं तो पता चलेगी, हाँ खा पी के जाना, नहीं तो है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहो यार आप, बिल्कुल है ना, एंजॉय तरीके से पढ़ो, एंजॉय, कभी दिमाग खराब हो जाए तो इस चैनल पर जाया करो, है ना, टाइम पास चैनल है ये। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, अरे भैयू मेरे ना, ये परसेंटेज भी बनती बच्चों के, समझ सोचो आप, वो तो क्या आप थोड़ा सा बोरिंग ना हो इसलिए बोलता हूँ शब्द से। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, ये इसका थुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 का थुआ, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23, ठीक है भैयू। चलिए तो यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, ये इसका थुआ हो गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 वाला हो गया, सॉरी अथवा लग गया ये, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका अथवा है, फटाफट स्क्रीन शॉट फेर तो जाओ, उंगलियों को देर मत लगाओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार, ये देखिएगा संयोग, जहाँ नायक नायिका के प्रेम, हीरो हीरोइन मिल रहे भाई मिल रहे हैं, वियोग तो बिछड़न केंदी है, ये हो गया एकक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, संदेह अलंकार की परिभाषा, जब बात है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी की सारी, कवि छंद का उदाहरण देख लो ना यहाँ पर,
आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने आज घर द्वार देखो हो गए। ठीक है, ये आपको करना है। काव्य में ओजगुन किसे कहते हैं? बुंदेले अरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा यहाँ से, राजभाषा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 13 है। निपात शब्द किसे कहते हैं? छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या क्या अर्थ नहीं थे? योग्य इतना यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये कष्टों को सहते हुए भी खुशी और आनंद का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, यहाँ से आप बात करेंगे तो ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ से इसका उत्तर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भावार्थ हो गया है क्वेश्चन नंबर 16 का भी। वैसे पेपर में मैंने बता ही दिया आपको, ये इसका अथवा वाला रहेगा। ये रचनाएँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिएगा, क्योंकि ये कुंवर नारायण का है वो, है ना, नहीं तो पता चले किसका है, तो यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ बनाते इसमें बच्चों ने नाम काट दिया है, तो ये यहाँ से साहित्य में स्थान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देख सकते हैं आप। ये यहाँ से दो रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान रघुवीर सहाय, ये चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये रचनाएँ हो गई, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया, ये एक आधा पॉइंट लिखना और बाकी सब आते भी हैं आपको। यहाँ पर हिंट देख लो कि यहाँ पर गलत चीज़ें लग रही है आपको, थोड़ा कठिन कर दो, बच्चों ने थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दिया, मैंने दूसरा लिखाया था कोचिंग उन्होंने। ठीक है, ये जीवन परीक्षा हटा दीजिएगा, ये रचनाएँ यहाँ से करेंगे। ये भाषा हो गई है रेणु जी की। शैली की बात करते, ये शैली दो बहुत है बस, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, 3, 4, 5, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आगे रचनाएँ साहित्य में स्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है यहाँ से देखो, ये हो गया। ये भाषा है, ये शैली आपकी रहेगी, इसके बाद में साहित्य में स्थान, भाव पल्लवन घर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये अभ्यास पर एक लघु अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का तो ये यहाँ पर सामने भी है, यदि एक बार वो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ये हो गया यहाँ पर, ये इसका अथवा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया। संदर्भ प्रसंग यहाँ से देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर की अथवा ये व्याख्या, सॉरी व्याख्या दो हो गई होगी। अब ये छोटा मेरा खेत वाला का यहाँ से देखना है, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या हो गई यहाँ से देखना है। इतनी संदर्भ प्रसंग थोड़ा गलत हो गया क्या, ये संदर्भ, ये प्रसंग और ये व्याख्या, अब ये क्वेश्चन नंबर 21, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेना यहाँ से, ये संदर्भ प्रसंग हो गया, ये व्याख्या रहेगी, हो गई व्याख्या। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये इसका अथवा वाला है, ये श्रम विभाजन वाला है, तो ये श्रम विभाजन वाला कर लो बढ़िया से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हो गया। इसके बाद में इसका अथवा ये यहाँ पर से देख सकते हैं, ये हो जाएगा। बढ़िया से मेहनत करो आप, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके आखिरी रहेगा। बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया से मेहनत करो। ए बी सी डी ई 5 इंपॉर्टेंट पेपर मैंने बताए, कोई रियल नहीं, किसी के पास रियल नहीं मिलने वाले। मैंने तो आईएमपी बताया, कोई और देता हो तो देख लेना आप किस तरह से। आईएमपी इन्हीं में से फंसेगा, ये जवाबदारी ले सकता हूँ कि आएगा इन्हीं में से, ये मोस्ट है, क्योंकि हर बार बच्चे इन्हीं पर को पढ़ के परसेंटेज बनाते हैं, ऐसी परसेंटेज बनेगी आपकी भी। इसके पहले ऐसी तरह की परसेंटेज बनवाई थी अपनी क्लास से, ये देख सकते हैं आप। बढ़िया से आप तो मेहनत तो करो, है ना, मेहनत जो बच्चा करेगा सफलता शोर मचाएगी।